दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको पूरी तरह समझ पाना किसी के बस की नहीं है। अनेकों रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड को हम उतना ही जान पाए हैं जितना हम देख पाए हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितने रहस्यों से घिरा है यह शायद हम कभी जान पाए। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स भी इन रहस्यों में से एक है जिसकी खोज अभी जारी है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में अनेकों तर्क दिए गए, जिसे कुछ लोग मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे नहीं मानते। मैंने आपको इस वीडियो के पहले भाग में बताया था कि क्यों कुछ लोग पैरेलल यूनिवर्स के नहीं होने का तर्क देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि खगोल शास्त्रियों द्वारा दिए गए कुछ साइंटिफिक रीजन है जिसे पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है। इसको समझाने के लिए इन्होंने इसे चार लेवल में बांटा है। लेवल वन, अभी तक हम नहीं जानते हैं कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बात की भी संभावना है कि ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप भी हो सकते हैं, जिसमें हमारी आकाशगंगा, पृथ्वी, सूर्य और अन्य कई तारे के प्रतिरूप मौजूद हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा लगभग समान रूप से फैले हुए हैं। केवल पदार्थ ही है जो किसी भी कॉन्फ्यूग्रेशन में जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष की एक अनंत राशि को देखते हुए यही कारण है कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा और मौजूद है, जिसमें हमारी दुनिया का एक सटीक डुप्लीकेट मौजूद है, लेकिन अभी हम अपने डुप्लीकेट ब्रह्मांड में किसी यान के द्वारा नहीं जा सकते क्योंकि वह हमसे अरबों खरबों लाइट ईयर दूर है। लेवल टू, समानांतर ब्रह्मांड के लेवल टू की थ्योरी को जन्म दिया अटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर हैं और यह आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नया ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग अलग बुलबुले में कैद है और सभी ब्रह्मांड में फिजिक्स रूल अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर इस कंडीशन में भी हम अपने समानांतर ब्रह्मांड से नहीं मिल सकते क्योंकि ये सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों लाइट ईयर दूर होंगे। लेवल थ्री, इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी दुनिया में ही मौजूद है, मगर उसको देख नहीं सकते क्योंकि वह दूसरे आयाम में मौजूद है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये आयाम क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयाम यानी कि डायमेंशन। ब्रह्मांड की घटनाओं को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार हम भौतिक विज्ञान में किसी भी वस्तु को मापने के लिए अलग अलग पैरामीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में घटने वाली सभी घटनाओं को मापने के लिए आयाम का उपयोग किया जाता है। आने वाली वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक और सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समानांतर ब्रह्मांड हमारी दुनिया में ही कैसे मौजूद है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर कई स्थानों में मौजूद हो सकते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरह व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। इस थ्योरी से एक बात तो समझ में आती है कि पास्ट टाइम में ट्रेवल करना असंभव नहीं है। लेवल फोर, पैरेलल यूनिवर्स का लेवल फोर मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। इसे तीनों लेवल का कंबाइंड फॉर्म भी कहा जाता है। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गणित हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी हो। हमने फिजिक्स की कई थ्योरीज से यह जाना है कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इसे ग्रेविटॉन का नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाता है और अचानक से विजिबल भी हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटॉन हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकता है, मगर इसको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थे कुछ साइंटिफिक रीजन जिसे पैरेलल यूनिवर्स होने की संभावना बताई गई है, लेकिन फिर भी अभी तक हम किसी भी पैरेलल यूनिवर्स को खोज नहीं पाए हैं। हो सकता है हम भविष्य में पैरेलल यूनिवर्स को खोज लें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।